नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि व्हाट्सएप के बैकग्राउंड को आप किस तरह चेंज कर सकते हैं। गाइज, अब जब व्हाट्सएप चलाते होंगे तब व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पे नॉर्मल सा रहता है। आज इस वीडियो में मैं वही आप व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पे आप अपना खुद का इमेज किस तरह लगाएंगे इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा। इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और इसको समझिए। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये जो रेड कलर का है इसको दबा दें, ये ब्राउन कलर का हो जाएगा, उसके बाद बेल आइकन घंटी को दबा दें। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन भी दबा दें। थोड़ी सी स्लाइड करके ऊपर जाएंगे दोस्तों तो कमेंट बॉक्स आएगा, तो यहाँ पे आकर कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, नाइस, अमेजिंग या कुछ भी, आप जो मर्जी हो, आपको जो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को भी लिख सकते हैं, आपका प्रॉब्लम का सॉल्व मैं करूँगा। तो प्लीज़ कमेंट में लिख दें और दोस्तों में अगर शेयर करना हो तो यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों व्हाट्सएप पे चलते हैं। तो सबसे पहले व्हाट्सएप खोलें, उसके बाद ये जो थ्री डॉट है इसके ऊपर क्लिक करें, उसके बाद आप सेटिंग में जाएं। सेटिंग के जाने के बाद उसके बाद यहाँ पे चैट लिखा वहाँ पे चलें। यहाँ पे लिखा हुआ है वॉलपेपर, तो वॉलपेपर पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे गैलरी है तो गैलरी में जाएं और यहाँ पे आप कोई भी इमेज को चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना खुद का ही इमेज लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको सेट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप अपना इमेज को सेट कर सकते हैं। तो चलिए कैंसिल का और सेट करने का है, तो आपको कैंसिल तो करना नहीं है, तो चलिए सेट करते हैं। सेट हो गया, उसके बाद आप बैक जाएं, देखें कि इसमें हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसका होम स्क्रीन पे अपना खुद का इमेज लग गया है। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छा लगता है इस ट्रिक्स को जानकर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें और व्हाट्सएप पे सभी ग्रुप में आप भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए ट्रिक में।